हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। आज की सुबह की कुछ ब्रेकिंग खबर जिसकी हम बात करेंगे। मार्केट आज बुरी तरह से गिरा पड़ा है, होली के पहले एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को आ रही है, तो एक छोटी सी ब्रीफ मार्केट के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी 10,531 पे चल रहा है। सेंसेक्स में लगभग 1647 पॉइंट की गिरावट है, जो कि 35,992 के आसपास चल रहा है। इसमें जो मेजर रीजन रहा, जो देखा जा रहा है ग्लोबली, अभी सऊदीया ने पेट्रोल प्राइस में 30% के आसपास की गिरावट की है। 91 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है ऑयल प्राइस में। इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई, जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट में इस तरह की गिरावट देखी जा रही है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो गोल्ड प्राइस 44,000 के ऊपर जा चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है लोगों का ट्रस्ट कम होता है और वो गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। तो गोल्ड का जो ट्रेड हो रहा है लगभग 44,200 के आसपास हो रहा है। साथ के साथ अगर बात करें डॉलर प्राइस की, तो डॉलर प्राइस भी इंडिया के करेंसी के हिसाब से डॉलर भी 74 रुपये के आसपास है। ऊपर और नीचे ये हो रहा है, लेकिन 74 रुपये के लेवल को टच कर चुका है। ये भी देश के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो डेफिसिट है हमारी, सारी जो प्रिक्योरमेंट है ऑयल और सारी चीज़ों की, वो बाहर से जब आती है हमें डॉलर पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर डॉलर प्राइस हिलता है उससे भी हमारी इकोनॉमी को और मार्केट को उसका इम्पैक्ट पड़ता है। साथ के साथ कुछ अच्छी बातें करें तो यस बैंक में अगर देखें तो अच्छी जो उछाल आई है, लगभग 20 रुपये के आसपास का ट्रेड कर रहा है। उसमें काफ़ी अधिक बिकवाली हुई है। इसका जो रीजन दिख रहा है, जो SBI ने अभी अनाउंस किया, एक तो SBI खुद स्टॉक ले रहा है, साथ के साथ ये भी उन्होंने बताया कि वो ओवरसीज लगभग 9 इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं। यानी कि रिवाइवल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इस रिवाइवल के लिए बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, और SBI उसका आप कह सकते हैं कि मुख्य चेहरा है, जो कि SBI इस तरह से एक्ट कर रही है कि यस बैंक को किसी भी तरह से बचाया जाए। साथ के साथ अगर हम बात करें तो मार्केट में जो सऊदीया ने ऑयल प्राइस को जो कट किया है, उसकी वजह से ग्लोबली देखा गया कि जो बैरल का जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आया। एक लिहाज से ये उस तरह से अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट, जो हमारी देश में सबसे ज़्यादा ऑयल ही बाहर से बाई किया जाता है जिसके लिए हमें डॉलर देना पड़ता है, जो अभी मैंने बताया, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है कि उनके पॉकेट पर जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो ऑयल को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी मार्केट न्यूज़ है। साथ के साथ इंडस बैंक ने अपनी फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी थे उसे भी रोक दिया है यस बैंक के कारण। उन्हें लग रहा है कि अभी मार्केट का जो सेंटिमेंट है बैंक के लिए अच्छा नहीं है, इसकी वजह से इंडस बैंक ने अपनी फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी थी उसको कुछ दिनों के लिए डिफर्ड कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही। शाम में फिर से हम एक बार मार्केट के साथ आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।